नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीटीसी स्टडी विद आलू। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत अधिगम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग, जिसका अर्थ होता है सीखना। अधिगम का दो अर्थ होता है, एक संकुचित वे में और एक व्यापक वे में। तो संकुचित वे में इसका अर्थ होता है सीखना, व्यापक अर्थ होता है अनुभव, ज्ञान तथा प्रशिक्षण या प्रयास से व्यवहार में हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। और सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि अनुभव द्वारा हो व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। इसी के साथ अधिगम की परिभाषा वीएफ स्किनर के अनुसार, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। जीपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। इसी के साथ क्रो एंड क्रो के अनुसार, आदतों ज्ञान तथा अभिवृद्धियों का अर्जन ही अधिगम है। गेट्स व अन्य के अनुसार, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम कहलाता है। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम एक क्रिया है। अधिगम प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम में व्यापकता पाई जाती है। अधिगम सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों होता है। अधिगम प्राचीनता तथा नवीनता का मिश्रण है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव।